हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इससे पहले के वीडियो में हमने क्लास एमपीबीआई के जनरल करेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ एमपीबीआई के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसी दौरान मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दिया था जो आपको करना अनिवार्य है। चलो अब शुरू करते हैं आज का वीडियो, क्लासिफिकेशन ऑफ एमपीबीआई। अगर इसके विषय वस्तु की बात करें तो इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल, दो बिंदुओं के अंतर्गत इसका हम अध्ययन करेंगे। इंट्रोडक्शन यानी परिचय, क्लास जो एमपीबीआई है उसमें लगभग 2500 जीवित जातियां पाई जाती हैं। कितनी? 2500 लिविंग स्पीसीज आर रिपोर्टेड। दिस नंबर इज लोएस्ट अमंग द अदर वर्टिब्रेट्स, यानी वर्टिब्रेट्स में जो क्लास एमपीबीआई है उसकी जो सदस्यों की संख्या है वो, या जो स्पीसीज की संख्या है वो सबसे कम है। अगर इनके काल विशेष की बात की जाए जिनमें इनका प्रभुत्व रहा, तो कार्बोनिफेरस जो काल है उसको इनका एज ऑफ एम्फीबियंस के नाम से भी जाना जाता है। और इस दौरान धरती पर इनका प्रभुत्व रहा, इसीलिए इसको, इस पीरियड को एज ऑफ एम्फीबियंस के नाम से जाना जाता है। बहुत बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है, एज ऑफ एम्फीबियंस क्या है, तो आपको आंसर देना है कार्बोनिफेरस। जी किंग्सले नोबल 1924 ने एक अपनी किताब लिखी बायोलॉजी ऑफ एम्फीबिया, जिसमें उन्होंने जो क्लास एम्फीबिया है उसका वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, एम्फीबिया का जीव विज्ञान। उन्होंने विलुप्त, एक्सटिंक्ट और जो जीवित एम्फीबिया है उनको तीन तीन ऑर्डर्स में विभाजित किया है, यानी जो विलुप्त हैं उनको भी तीन ऑर्डर में और जो जीवित या लिविंग एम्फीबियंस हैं उनको भी तीन ऑर्डर्स में रखा है। जो एक्सटिंक्ट एम्फीबियंस आर क्लासिफाइड इनटू स्टिगोसिफेलिया, जो विलुप्त एम्फीबियंस हैं उनको किस में रखा गया है, स्टिगोसिफेलिया, और ये जो नाम है वो दिया गया है एडम सेग्विक। लिविंग एम्फीबियंस आर क्लासिफाइड इनटू लिस एम्फीबिया, यानी आपके पास में दो सब क्लास, क्लास एम्फीबिया डिवाइडेड इनटू टू सब क्लासेस, फर्स्ट स्टिगोसिफेलिया एक्सटिंक्ट जिसमें सभी विलुप्त एम्फीबियंस आते हैं, दूसरा लिस एम्फीबिया जिसमें सभी जीवित। अगर हम स्टिगोसिफेलिया के करेक्टर्स की बात करें तो लाइम्स आर पेंटाडेक्टाइल, पंचांगुलिक यानी पांच अंगुलें इनमें पाई जाती है, इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण है कवर्ड बाय स्केल्स एंड बॉनी प्लेट्स द्वारा कवर्ड रहता है। और इनकी एज की बात करें या जिस काल में ये पाए जाते थे, परमियन टू ट्राइएसिक में ये पाए जाते थे। इसके दूसरे जो सब क्लास है लिस एम्फीबिया, जिसमें सभी जीवित एम्फीबियंस आते हैं, उसमें अगर हम करेक्टर्स की बात करें तो नोडर्मल बोनी स्केल्टन सिस्टम, यानी इनमें बोनी स्केल्टन नहीं पाया जाता है। इनको किस नाम से जाना जाता है, मॉडर्न एम्फीबियंस के नाम से भी, आधुनिक जो उभयचर है उनके नाम से भी जाना जाता है। अगर दांतों की बात की जाए, टीथ स्मॉल एंड सिंपल, छोटे और साधारण होते हैं। और यहां से एक प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि आधुनिक जो एम्फीबियंस हैं उनका आपको विशेषताएं लिखते हुए क्लासिफिकेशन देना है। तो इनके अगर ऑर्डर्स की हम बात करें तो स्टिगोसिफेलिया में तीन ऑर्डर हैं, लेब्रिंथोडॉन्सिया, फाइलो या फिलोस्पोंडाइलाई और लेपोस्पोंडाइलाई। कितने? तीन, लेब्रिंथोडॉन्सिया, फिलोस्पोंडाइलाई एंड लेपोस्पोंडाइलाई।
और अगर लीस एम्फीबिया सब क्लासेस की बात करें तो ऑर्डर हैं जिम्नोपियाना और एपोडा, जिम्नोपियाना और एपोडा, जिम्नोपियाना और एपोडा, यूरोडेला और कोडेटा, एनुरा और सेलियंसिया, एनुरा और सेलियंसिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टिगोसिफेलिया और जो सब क्लास है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसका जो सब ऑर्डर है, पहला है लेडिंथोडोंचिया, ये ओल्डेस्ट नाउन टेट्रापॉड, सबसे पुराने जो टेट्रापॉड है कौन से हैं, लेडिंथोडोंचिया के, और इनको स्टेम एम्फीबिया के नाम से भी जाना जाता है। और यहां से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है स्टेम एम्फीबिया क्या है, फ्रेश वाटर और लैंड फॉर्म्स, यानी फ्रेश वाटर और स्त्री आवास में ये पाए जाते हैं। सेलामेंडर और जो क्रोकोडाइल हैं उसके समान ये होते हैं, टीथ लार्ज यानी दांत बड़े, और जो दांत है करेक्टरिस्टिकली मच फोल्डेड डेंटाइन यानी अत्यधिक वलनिस, और ये विशिष्ट लक्षण है वो जो एम्फीबियन के जो एंसेस्टर हैं या पूर्वज हैं क्रोसोपटेरिजिन्स यानी क्रोसोपटेरिजिये जो फीसेस थी उनके समान मिलता है। और या यूं कह सकते हैं कि लेडिंथोडोंसिया हैं उनका विकास किससे हुआ है, क्रोसोपटेरिजिन लाइक फीसेस से हुआ है। नेक्स्ट देखिए, सिमिलर टू देयर क्रोसोपटेरिजिन एंसेस्टर यानी इनका जो एंसेस्टर है वो क्या है, क्रोसो पटेरियंस। और इनके अगर काल विशेष की बात करें तो यहाँ पर किस काल में इनका प्रभुत्व रहा, तो यहाँ पर किस काल में रहा है, कार्बोनिफेरस टू ट्रायसिक। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो इसका एग्जांपल है एरियोस, कौन सा है, एरियोस, एरियोस, फिलोस्पोंडाइलाई यानी दूसरा इसका जो ऑर्डर है, स्मॉल है, सेलामेंडर लाइक है, हेड लार्ज और वर्टी और फ्लैट होता है, वर्टिब्री ट्यूबुलर या नलिकाकार होती है, नोटोकॉर्ड एंड स्पाइनल कॉर्ड एक ही गुहा में या कैविटी में पाए जाते हैं। और इनको ये माना जाता है कि ये जो मॉडर्न एम्फीबिया हैं, जो हम जीवित एम्फीबियंस की बात कर रहे हैं, उनमें सेलेंशिया या यूरोडेला जो है उनका एंसेस्टर इनको माना जाता है। किनका, सेलेंशिया, सेलेंशिया या यूरोडेला का, और कार्बोनिफेरस टू परमियन ये पाए जाते थे। एग्जांपल्स की बात करें तो ब्रेंकियोसोरस और इक्थियोस्टेगा इसके एग्जांपल्स हैं। थर्ड जो ऑर्डर है वो है लेफोस्पोंडाइलाई, स्मॉल सेलामेंडर लाइक और ईल लाइक एम्फीबियंस, वर्टिब्री सिलेंड्रिकल, ईच मेड अप ऑफ सिंगल पीस, एक ही पीस के या अंश के बनी हुई होती है। न्यूरल आर्च एंड सेंट्रम वो है वो कंटिन्यूस होती है, कैसी होती है, कंटिन्यूस होती है। रिब्स जो हैं आर्टिकुलेटिंग इंट्रावर्टिब्रली पसलियां कशेरुक दंड से, पसलियां कशेरुक दंड से अंतराक्षेरुकी रूप से जुड़ी होती हैं, और इनको रिगार्डेड एंसेस्टर टू मॉडर्न सिसिलियंस या जिम्नोफियाना। ऊपर का जो ऑर्डर था वो सेलेंसिया या यूरोडेला का एंसेस्टर उसको कह सकते हैं। यहां पर जो आपका फिलोस्पोंडाइलाई है वो किसका एंसेस्टर है, मॉडर्न जो सिसिलियंस या जिम्नोफियाना या एपोडा है उनके हम इनको एंसेस्टर मानते हैं। कार्बोनिफेरस टू परमियन ये पाए जाते हैं। एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल्स हैं डिप्लोकेलस, लाइसोरोफस, डिप्लोकेलस और लाइसोरोफस। सब ऑर्डर है, सॉरी सब क्लास, आपकी पहली क्लास सब क्लास है वो कंप्लीट हो गई, लेबिंथोडोंसिया, फिलोस्पोंडाइलाई और लेफोस्पोंडाइलाई, यानी तीन ऑर्डर्स हमने ऊपर बताए थे। तीनों कौन कौन से हैं, स्टिगोसिफेलिया में लेबिंथोडोंसिया फर्स्ट, सेकंड आपका है फिलोस्पोंडाइलाई और तीसरा है लेफोस्पोंडाइलाई। और इनमें से जो दो हैं उनको किसका एंसेस्टर माना गया है, यहां पर दो क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट जो सब क्लास है
लिस एम्फीबिया या लिविंग या मॉडर्न एम्फीबिया, यहां की प्रश्न आता है मॉडर्न एम्फीबिया का क्लासिफिकेशन। देखिए इसको जो ऑर्डर हैं वो यहां पर तीन ऑर्डर्स हैं, वो जो मैंने ऊपर बता दिए हैं, जिम्नोफियाना या एपोडा, जिम्नोफियाना और एपोडा, ग्रीक वर्ड जिम्नोस और नेक्ड, प्लस ओफियोनेस यानी सर्पेंट लाइक, और ग्रीक ए यानी विदाउट, और प्लस पोडोस यानी ऐसे एम्फीबिया जिनमें पाद नहीं पाए जाते हैं। किस में रखे जाते हैं? एपोडा या जिम्नोफियाना में। अगर इनके करेक्टर्स की बात करें तो लाइमलेस, विजनलेस यानी पाद रहित और अंधे, इलोंगेटेड वॉर्म लाइक बॉडी यानी कर्मी समान इनका शरीर, बोरोविंग आदि बिलकारी प्राणी हैं, ट्रॉफिकली आल्सो कॉल्ड इनको सिसिलियंस के नाम से भी जाना जाता है। अगर टेल की बात करें स्मॉल और अब्सेंट होती है, क्लोइका टर्माइनल होती है, डर्मल स्केल्स त्वचा में चर्मीय सलक अंतरस्थापित या धंसे रहते हैं, स्कल है वो कॉम्पैक्ट होता है एंड बोनी रूप उसमें पाई जाती है, ग्रेडल्स की अगर बात करें तो अब्सेंट होती हैं, कॉफिलेटरी और इंट्रोमिटेंट ऑर्गन है वो इनमें मेल्स में पाया जाता है, नरों में कॉपुलेटरी या इंट्रोमिटेंट ऑर्गन पाया जाता है। अबाउट 55 स्पीशीज आर रिपोर्टेड इन दिस ऑर्डर, इक्टियोफिस एंड यूरोटिफिलिस, इक्टियोफिस एंड यूरोटिफिलिस इसके एग्जांपल हैं, सिसिलिया भी इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट जो ऑर्डर है यूरोडेला या कोडेटा, यूरोडेला या कोडेटा, लैटिन वर्ड कोडा दैट मीन्स टेल, ग्रीक वर्ड यूरा दैट मीन्स टेल, प्लस डेलोस यानी विजिबल, ऐसे एम्फीबियंस जिनमें पूंछ क्या होती है? विजिबल होती है यानी एक स्पष्ट दुम सहित लिजर्ड लाइक एम्फीबियंस इसमें आते हैं। लाइम्स आर टू फेड, जो पाद हैं वो दो जोड़ी होते हैं, प्राय दुर्बल और लगभग बराबर होते हैं। देयर इज नो स्केल्स ऑन स्किन, इनकी त्वचा में स्केल्स नहीं पाए जाते हैं। टिम्पेनम इज अब्सेंट, टिम्पेनम में कर्णपटय का अभाव होता है। गिल्स आर परमानेंट और एक्सटिंक्ट इन अडल्ट यानी वयस्क में विलुप्त हो जाते हैं। देर इज नो इंट्रोमिटेंट ऑर्गन इन मेल्स, ऊपर का जो ऑर्डर था उसमें इंट्रोमिटेंट ऑर्गन प्रेजेंट था लेकिन यहां पर नर में इंट्रोमिटेंट ऑर्गन या कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। लार्वा एक्वाटिक होता है, यहाँ लार्वा से एक क्वेश्चन बनता है, लार्वा कैसा होता है? एक्वाटिक होता है, अडल्ट लाइफ होता है यानी लार्वा है उसमें अडल्ट जैसे करेक्टर पाए जाते हैं और दांतों से युक्त होता है। और इस परिघटना का जो नाम है वो है नियोटेनी। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है ये प्रश्न कि नियोटेनी क्या है, किसमें पाई जाती है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर नियोटेनी का आपके पास आंसर है यानी लार्वा अवस्था में अडल्ट लाइक करेक्टर्स पाए जाते हैं, तो उस घटना का नाम है नियोटेनी। और इस जो ऑर्डर है उसको 5 सब ऑर्डर्स में विभाजित किया गया है और जिनमें लगभग 300 स्पीसीज या जातियां पाई जाती हैं। इसमें अगर हम देखें तो यहां पर जो एग्जांपल्स हैं इसके किसके, यूरोडेला या कोडेटा, तो उसमें ट्राइटन्स आते हैं, कोंगोइल आती हैं जिसको हम एम्फ्यूमा के नाम से जानते हैं, मड पप्पी या नेक्टोरम्स आते हैं, मड ईल जिसको हम साइरन के नाम से भी जानते हैं, सेलामेंडर आदि आते हैं। नेक्स्ट जो इसका सब ऑर्डर है यानी सब ऑर्डर तक का जो क्लासिफिकेशन है उसमें पहला जो सब ऑर्डर है क्रिप्टोबैंकोइडिया, कौन सा है? क्रिप्टो
ब्रेंकोइडिया, क्रिप्टोब्रेंकोइडिया मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे आदिम परमानेंटली कैसे हैं, एक्वाटिक है, परमानेंटली कैसे हैं, एक्वाटिक हैं, अडल्ट विदाउट आईलिड्स एंड गिल्स, जो इनके वयस्क हैं उनमें आईलिड्स और गिल्स नहीं पाए जाते हैं, क्या नहीं पाए जाते हैं, आईलिड्स और गिल्स नहीं पाए जाते हैं, एंगुलर एंड प्री वेंट्रिकुलर सेपरेट होते हैं, यानी एंगुलर और प्री वेंट्रिकुलर है वो अलग अलग होते हैं, प्री मैक्सिलरी स्पाइन है वो कैसा है, शॉर्ट है, प्री मैक्सिलरी जो स्पाइन है वो कैसा है, शॉर्ट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, कैसा है, एक्सटर्नल है, एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो क्रिप्टोब्रैंक्स, क्रिप्टोब्रैंक्स, मेगालोबैट्रिक्स, मेगालोबैट्रिक्स इनके एग्जाम्पल है, दूसरा जो सब ऑर्डर है वो है एम्बिस्टोमोइडिया, एम्बिस्टोमोइडिया अडल्ट टेरेस्ट्रियल है यानी स्थलीय है विद आईलिड्स प्रेजेंट है, ऊपर का जो सब ऑर्डर था उसमें नहीं पाए जाते थे आईलिड्स और गिल्स, एंगुलर फ्यूज्ड वहां सेपरेट थे, यहां पर कैसा है, फ्यूज्ड विथ प्रीवेंट्रिकुलर, यानी प्रीवेंट्रिकुलर और एंगुलर ऊपर के सब ऑर्डर में क्रिप्टोब्रैंकस में अलग अलग थे, लेकिन एम्बायोस्टोमोइडिया में कैसे हैं, फ्यूज है, प्रीमैक्सिलरी स्पाइन लार्ज है, ऊपर कैसा था, शॉर्ट, वर्टिब्री कैसी है, एम्फिशियलस, कैसी है, एम्फिशियलस, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, ऊपर कैसा था, एक्सटर्नल, एग्जाम्पल्स हैं एम्बायोस्टोमा और एक्सोलोटल लार्वा, तीसरा जो इसका ऑर्डर है सेलामेंड्रोइडिया, कौन सा है, सेलामेंड्रोइडिया वर्टिब्री ओपिस्टोसिलस है, कौन सी है, ओपिस्टोसिलस है, टीथ ऑन पैलेट है एंड प्रीवोमर, दांत पैलेट पर और प्रीवोमर पर पाए जाते हैं, थ्री सेट्स ऑफ क्लोइकल ग्लैंड्स, तीन अवस्कर ग्रंथियां पाई जाती हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, प्राय शिशु प्रजक, प्राय कैसे हैं, शिशु प्रजक या ओविपेरस हैं, यानी अपने समान शिशुओं को जन्म देते हैं, एग्जाम्पल्स अगर बात करें तो ट्राइटन है, ट्राइटूरस है, न्यूट्स हैं, एंड ट्राइटन, ट्राइटूरस और न्यूट्स, सेलामेंड्रा है या सेलामेंडर है और एम्फ्यूमा, इसका उदाहरण मैंने आपको कोंगोइल, जब हम ऑर्डर पढ़ रहे थे तो उसी दौरान इसको हमने पढ़ लिया था, डेस्मोग्नेथस है, प्लेथोडोन है, नेक्स्ट जो सब ऑर्डर है प्रोटेडी या मड पप्पीज इसमें आती है, प्रोटेडी एक्वाटिक बॉटम ड्वेलर्स हैं, पानी के तल पर रहने वाले एम्फीबियंस हैं, रिप्रेजेंटिंग परमानेंट लार्वल फॉर्म्स, हमेशा लार्वा अवस्था में ही बने रहते हैं, यहां से भी एक प्रश्न आता है बहुत बार, विदाउट आईलिड्स यानी विद आईलिड्स इनमें नहीं पाई जाती है और स्थायी लार्वा अवस्था में पाए जाते हैं, अडल्ट विद थ्री पेयर्स ऑफ, तीन जोड़ी एक्सटर्नल गिल और यानी तीन जोड़ी एक्सटर्नल गिल और गिल दरारों की संख्या है वो टू पेयर्स, ये ध्यान देनी होगी यहां पर, इस विशेष करेक्टर है, पाई जाती हैं, कपाल उपास्थिसम है, कार्टिलेजनस है, विदाउट मैक्सिली यानी मैक्सिला है वो अनुपस्थित होती हैं, जबड़ों पर दांत पाए जाते हैं, पूंछ है वो फिन रेज युक्त यानी पूंछ में फिन उपस्थित होती है, एग्जांपल्स की बात करें प्रोटियस जिसको ओलम के नाम से जानते हैं, नेक्टुरस जिसको मड भक्ति के नाम से जानते हैं, और इस प्रकार से इनकी जनरल और जो साधारण नाम है वहां से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, लास्ट जो इसका सब ऑर्डर है मियंटिस, कौन सा है, मियंटिस, एक्वाटिक रिप्रेजेंटिंग परमानेंट लार्वा, ई लाइक फोर लाइन स्मॉल, हाइंड लाइन अब्सेंट, अग्रपाद उपस्थित छोटे लेकिन जो पश्चपाद हैं वो अनुपस्थित होते हैं, तो जो यूरोडेला या कोडेटा जो था उसके कितने सब ऑर्डर हैं, क्रिप्टोब्रैंकोइडिया, एम्बायोस्टोमोइडिया, सेलामेंड्रोइडिया और प्रोटेडी और मियंटिस, ये आपके पांच सब ऑर्डर हैं। नेक्स्ट
उसी के करेक्टर जो फट रहे हैं उसमें थ्री पेयर्स ऑफ एक्सटर्नल गिल्स, तीन जोड़ी बाह्य गिल उपस्थित होते हैं, नो आईलिड्स, नो क्लोइकल ग्लैंड्स, जबड़ों पर सरंगी आवरण या जो भी थॉर्नी कवरिंग पाया जाता है, एग्जाम्पल साइरन है, मड ईल है, स्यूडोब्रिंकस। लास्ट जो ऑर्डर है साइलेंसिया, सेलियंसिया या एन्यूरा, सेलियंसिया या एन्यूरा, लैटिन वर्ड सेलियंस यानी लीपिंग, लैटिन वर्ड सेलिंग, सेलियंस लैटिन वर्ड सेलियंस, सेलियंस दैट मीन्स लीपिंग, और ग्रीक एन यानी विदाउट, एयूरा यानी टेल, एयूरा यानी टेल। ऐसे एम्फीबियन जिनमें पूंछ नहीं पाई जाती है, हमने एपोडा का भी पढ़ा, यहां पर हम एन्यूरा पढ़ रहे हैं। सेलियंसिया या एपोडा, सॉरी एन्यूरा, इनमें पूंछ नहीं पाई जाती, विशिष्ट प्रकार के उभयचर जिनमें के पूंछ, जिनके वयस्क में पूंछ अनुपस्थित होती है। हाइंडलाइम वार अडप्टेड टू लीपिंग एंड स्विमिंग, जो पश्चपाद हैं वो कूदने व तैरने के लिए अनुकूलित होते हैं। अडल्ट डज नोट हैव, अडल्ट डज नोट हैव एनी गिल्स और गिल्सलिट्स, आईलिड्स पलके पूर्ण विकसित, कर्णपटल उपस्थित, इंटेग्यूमेंट स्किन है वो विशिष्ट प्रकार की है, ढीली एवं सलक रहित। मैंडिबल्स जो है वो टी लेस होते हैं, दंतहीन होते हैं। पेक्टोरल गर्डल अंश निकला, अस्तिल या बोनी होती है, रिब्स अब्सेंट होते हैं और या रिड्यूस्ड। 5 से 9 प्रीसेक्रल वर्टिब्री और एक क्रश या सिलेंडर लाइक यूरो स्टाइल से बहुत छोटा वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सेलियंसिया या एन्यूरा में किस प्रकार का वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें तो ऑलवेज एक्सटर्नल, प्राय एक्सटर्नल प्रकार का फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, बिना चीर भ्रूणीय नियोटेनिक रूपों के पूर्णतया कायांतरित होता है, यानी नियोटेनिका में अभाव होता है। अडल्ट यहाँ पर इस जो ऑर्डर की बात कर रहे हैं तीसरे की, उसमें लगभग 2200 स्पीसीज, जिसमें फ्रॉग्स और टॉड्स, क्या आते हैं फ्रॉग्स और टॉड्स, यानी ऐसा कौन सा उस वर्ग का नाम लिखिए जिसमें फ्रॉग और टॉड आते हैं, और इसको भी हम 5 सब ऑर्डर्स में बांटते हैं। और वर्गीकरण का जो यहाँ पर आधार होगा सब ऑर्डर का वो है वर्टिब्री। तो पहला सब ऑर्डर है एम्फीसिला, क्या है एम्फीसिला। देखिए यहाँ पर एम्फीसिला का मतलब यह है कि इसमें वर्टिब्री का जो प्रकार है वो किस प्रकार का होगा, एम्फीसिलस। प्रीसेक्रल की संख्या 9, 3 रिब्स हैं एंड 2 रिलिक्ट मसल्स हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। एग्जांपल की बात करें तो लियोपेल्मा, लियोपेल्मा एस्किपस इसके उदाहरण है। दूसरा जो सबऑर्डर है ओपिस्टोसिलस, वर्टिब्री का टाइप ओपिस्टोसिलस। स्केपुला है वो स्मॉल होता है, रिब्स फ्री होती है अडल्ट और लार्वा में, रिब्स फ्री किसमें अडल्ट और लार्वा में। एग्जांपल्स की अगर बात करें एलाइटिस, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है मिडवाइफ टोड क्या है, तो इसका जो जनरल नेम है एलाइटिस का मिडवाइफ टोड, पाइपा है, जिनोप्स है, बॉम्बिनेटर है, डिस्कोगियोसस, ये इसके एग्जांपल हैं। तीसरा है एनोमोशिला, जो तीसरा सब ऑर्डर है उसका नाम क्या है एनोमोशिला वर्टिब्री प्रोसिलस या अग्रगर्ती है या एम्फीसिलस। थ्री फ्यूज्ड, थ्री ओसिफाइड रिब्स इनमें अब्सेंट होती हैं, अपर जावित टीप ऊपरी जबड़े में दांत पाए जाते हैं। एग्जांपल्स की अगर बात करें पिलोवेटस, क्या पिलोवेटस, स्केपियोपस, स्केपियोपस। चौथा जो सब ऑर्डर है प्रोसिला, कौन सा है प्रोसिला वर्टिब्री प्रोसिलस अग्रगर्ती प्रीसेक्रल 5 से 8 यूरोस्टाइल अंतिम सिरुप, यूरोस्टाइल जो है वो अंतिम सिरुप के साथ दो तुलकों या दो कोंडाइल्स के द्वारा जुड़ा होता है, फिर इट्स अब्सेंट है। एग्जांपल्स की बात करें ब्यूफो कॉमन टॉड के नाम से इसको जानते हैं, हाइला ट्रीटोड के नाम से इसको जानते हैं, गैस्ट्रोथिका इसको मार्सुपियल फ्रॉग
बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, मार्सोफिल प्रो क्या है, राइनोडर्मा है, डेंड्रोवेटिस, लास्ट जो सब ऑर्डर है वो है आपका डाइप्लेसियोसिला, डाइप्लेसियोसिला, डाइप्लेसियोसिला जो शुरू की 7 वर्टिब्री हैं वो प्रोसिलस हैं, 8वीं है वर्टिब्रा एम्फीसिलस है सेक्रल, और 9th जो वर्टिब्रा है वो कॉन्वेक्स है, अग्र और पस जो इसके पार्ट हैं उसमें 2 कॉन्डाइल्स पाए जाते हैं, और अंशमेखला है वो स्टर्नम के साथ हमेशा जुड़ी रहती है, रिब्स अनुपस्थित होती हैं, और पेक्टोरल गर्डल्स यूजुअली फ्यूज टू स्टर्नम। एग्जांपल्स की अगर बात करें तो राना कॉमन जो फ्रॉग है, राना टिग्रिना, पॉलीपिडेट्स जिसको हम ट्री फ्रॉग के नाम से जानते हैं, रेकोफॉस भी इसको कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्लास एम्फीबिया का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू जी किंग्सले नोबल लाइफ ऑफ एम्फीबिया या बायोलॉजी ऑफ एम्फीबियम जो इनकी बुक है इसमें दिया गया है उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। लिविंग और जो एक्सटिंक्ट एम्फीबियन है उनको अलग अलग सब क्लास में रखा गया है, जो लिविंग एम्फीबियन है उनको लीस एम्फीबिया में रखा गया है, जो विलुप्त जो एम्फीबियंस हैं उनको स्टिगोसिफेलिया में रखा गया है। स्टिगोसिफेलिया के 3 सब ऑर्डर ऑर्डर्स हैं, लेब्रिंथोडोन्सिया है, फिलोस्पोंडाइलाई है और लेपोस्पोंडाइलाई है। लीस एम्फीबिया के भी 3 ऑर्डर्स हैं, जिम्नोफियाना और एपोडा, यूरोडेला और कॉडेटा, एन्यूरा और सेलियंसिया। और फिर उसके बाद में इनके करेक्टर्स और प्रत्येक का हमने वो एग्जांपल और उनमें किस प्रकार के करैक्टर्स हैं इनके बारे में अध्ययन किया, और इसी के साथ हमने जो इनके मॉडर्न एम्फीबियंस हैं उनके हम सब ऑर्डर तक का क्लासिफिकेशन आज हमने पढ़ा। धन्यवाद।